सीतापुर के रामपुर कला थाना इलाके में एक विवाहिता का शव संदिग्ध हालातों में फंदे से लटकता मिलने पर सनसनी फैल गई है। मृतका के पिता ने ससुराली जनों पर दहेज हत्या का आरोप लगाया है। रामपुर कला पुलिस ने तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। दरअसल रामपुर कला थाना क्षेत्र के नागेश्वर नाथ मजरा कैमा निवासी पंकज गिरी लखनऊ में प्राइवेट नौकरी करता है और वहीं रहता है। पंकज की पत्नी शिवानी ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। हादसे के समय पंकज घर में मौजूद नहीं था। खबर पाकर पहुंचे मृतका के पिता राम ने ससुराल पक्ष पर दहेज हत्या का आरोप लगाया है। हमारी लड़की यहाँ शादी हमने की थी तो ये लोग दहेज की मांग कर रहे थे। उसके बाद फिर एक बार समझौता होने पर हम लोग यहाँ चले गए, फिर दोबारा भेज दिया। फिर जब दोबारा लेने आए तो लोग भेजे नहीं, बहुत दंगा फसाद करने पे उताला हो गए। हम लोगों ने 100 नंबर डायल किया, महिला आयोग से 100 नंबर आई वहाँ से। फिर उन्होंने समझौता किया, फिर दोबारा भेज दिया। फिर उन्होंने कहा ठीक है अब कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद वही 20-25 दिन के बाद जो यहाँ रही, उसके बाद जब हमें सूचना मिली कि तुम्हारी लड़की को वहाँ मार के टांग दिया गया है, तो यहाँ कोई नहीं बताया, न हमारे पास फोन गया। फिर हमारी बड़ी लड़की इसी गांव में यही हुई थी, उसने मुझे सूचना दी पापा शिवानी को यहाँ मार दिया गया। उधर मृतका की सास अर्चना ने बताया कि अचानक हादसा होना उसकी समझ से परे है। मृतका का पति सूचना मिलने पर सुबह लखनऊ से घर पहुंचा। कुछ नहीं बाबा, रहा शाम के तो खाना पानी बना रहा, आराम से खाई नहीं पी। लंडो उठा ले। आई नहीं, हम जाने से हमारे घर में कुछ कांड हो ही ना, हम का बताए ना, हम जाने वो तो आराम से पाओ गए, हम हो पाओ गए, हम तो दोस्त बड़े थके रहा। कोई बात नहीं बाबा, तो हम कैसे, हम तो नहीं चिंता रहा, हम कल कुछ को हमारे जब खाए झगड़ा नहीं तो हम खा जाने। अच्छा, जिसकी ये पत्नी हो यहाँ रहते हैं नहीं रहते? वही नहीं रहते हैं। वो कहाँ रहते हैं? बाहर रहते हैं। उनको सूचना दी गई तो कब आए वो? वो अभी आए। अच्छा, वो यहाँ नहीं रहता था, कहाँ रहता है वो? लखनऊ में रहते हैं। लखनऊ में रहता है। सुबह कितने बजे आया था? अभी आए हैं, 9-10 बजे आए हैं। कई बजा है हम जानता हूँ नहीं है। रामपुर कला थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर आरोपी पति देवर सास व ससुर के विरुद्ध केस दर्ज कर पति ससुर व देवर को हिरासत में ले लिया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है।